जी आज की जो रेसिपी है हमारी, देखिए व्रत की स्पेशल रेसिपी है और ये हमने साबूदाना और आलू फ्राई बनाई है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और ये रिफाइन है, आप चाहें तो इसकी जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाना तो बहुत बनाया है और बहुत खाया है, लेकिन थोड़ा सा मेरे तरीके से भी खा कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो हेलो जी, मैं हूँ प्रियंका कुमारी और हमारे पिंकी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने कच्चे बादाम या आपके पास भुना हुआ बादाम पहले से है तो उसे इस तरह से तलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने कच्चे बादाम को तल लिया है, उसके बाद हमने साइड में निकाल कर उसे रख लिया था। अब यहाँ पर हमने आलू को जो है इसी स्टेज पर और इसी साइज़ में काट कर यहाँ पर मैं आलुओं को तल लूँगी। तलने से क्या होता है, जो हमारा साबूदाने का जो फ्लेवर होता है ना, बहुत सौंधी सौंधी और बहुत अच्छी लगती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसने आलूओं को काटा नहीं है, लेकिन आप इस तरह से आलूओं को तलेंगे ना तो जो उसकी फ्लेवर रहती है ना, बहुत सौंधी सौंधी और हलवे जैसी भी नहीं होगी और ना ही बहुत ज़्यादा मसलेगी भी। तो ये देखिए, हमारे जो आलू हैं वो तल कर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और कड़ी पत्ती, जिसको मीठी लीव्स भी बोलते हैं, और बादाम जो है मैंने पहले से ही भून कर रख लिया था। तो ये देखिए, हमने इसके ऊपर से कड़ी पत्ती, बादाम और मिर्च को डालकर अब हम इसमें सेंधा नमक जो है स्वाद अनुसार डालेंगे, डालकर हम इसे चलाएंगे। हमें आलूओं को चलाते समय ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि आलू जो है हमारे टूट जाएंगे। अब देखिए, ये रहे हमारे साबूदाने, इसको मैंने रात भर भिगोने के लिए भिंगो कर छोड़ दिया था क्या, और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये फूला हुआ है। आप भी इसी तरह से रखिएगा तो आपके जो साबूदाने हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से फूलेंगे। और ये देखिए, 5 से 10 मिनट तक चलाने के बाद हमने इसमें, मैंने पहले भी बताया था, सेंधा नमक आप डाल सकते हो पहले भी, और देखिए साबूदाना डालने के बाद भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहे तो पहले डालिए या तो साबूदाना ऐड करने के बाद में डालिए। तो लो जी, हो गए हमारे 10 मिनट में आलू साबूदाना फ्राई। और ये व्रत के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। वैसे साबूदाना तो आप लोगों ने बहुत बनाया है, लेकिन प्लीज़ इस तरीके से बनाकर ज़रूर खाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगला वीडियो कौन सा हो कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी, बाय बाय।